से सब्सक्राइब करें एएनडी नेशनल, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। पशु चिकित्सालय में घासी तहसील के गांव के 61 बच्चों को 11 दिन का पशुपालन प्रशिक्षण दिया गया। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर सुधीर मलिक ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को पशुओं व उनके खाने व रहने की व्यवस्था, बीमारी होने पर उनके देख रेख करने के बारे में बताया गया। ये हमारा जो GVH का मीटिंग हॉल है, इसके अंदर 5 तारीख से 15 तारीख तक, मार्च तक 2019 से ये 11 दिन का डेयरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ है और इसके साथ ही साथ ये शीप एंड गोट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंटिन्यूस चला हुआ है। इसके अंदर डेयरी ट्रेनिंग में 21 पार्टिसिपेंट्स हैं और शीप एंड गोट के अंदर 40 पार्टिसिपेंट्स हैं। और इनको हम डेयरी के बारे में, कैसे डेयरी का अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे एनिमल खरीदना चाहिए ब्रीड का, कैसे उसका रख रखाव करना चाहिए, कैसे उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कैसे उसका दूध का है जो उसको बेचना या दूध की बाई प्रोडक्ट्स बनाना और उनको मार्केट में सेल करना, इन चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जा रहा है। और दूसरा जो भेड़ बकरी के प्रशिक्षण की बात है, तो भेड़ बकरी के लिए भी इसी तरह कि भाई कैसे उनका रख रखाव, उनको लेना, उनकी नस्ल के बारे में, उनके टीकाकरण के बारे में और उनकी ब्रीडिंग पॉलिसीज़ के बारे में हमने यहाँ लोगों को बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये जितने भी पार्टिसिपेंट ट्रेनीज इस ट्रेनिंग में आए हैं वो अच्छे से सीख पाए हैं और हमने अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश की है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बारे में बता पाए। आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर 1 वेब चैनल ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही। देखिए कौन बनेगा MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ